हेलो गाइज, मेरा नाम है शम्स और आपसे स्वागत है बेस यूट्यूब में। तो आज का भी ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आप लोग को अमरजीत भाई से कुछ सवालें पूछेंगे हेलीकॉप्टर के रिलेटेड, और काफी मजा आने वाला है इस ब्लॉग को देखकर। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इनसे जरूर रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने है अमरजीत भाई, तो आप इनको जानते ही हैं, कौन नहीं जानते हैं इनको। और अमरजीत भाई, ये बताइए कि आप पहले तो आपको लुक से स्टार्ट करते हैं, जो आपने दाढ़ी बनाया है, बढ़ाया है, तो ये मतलब कैसा आप पहले से बढ़ा के रखे हैं कि अभी? हेलीकॉप्टर में जब हमने काम किया ना, शुरू किया, जब से हम बढ़ाया। अच्छा, तो क्यों मतलब अब कब तक कटेगा ये दाढ़ी? ना उड़ा ले। अच्छा, मतलब आपने ये मन्नत मान के रखे कि जब तक हेलीकॉप्टर ना उड़े तब तक आप कटेंगे मत, काटेंगे नहीं। अच्छा, तो ये कैसे आपने मतलब सोचा कि हेलीकॉप्टर बनाया जाए? नहीं, ये तो मतलब बचपन से हम बहुत हुनर थे, और प्लस कि जब विदेश में हम गया तो वहाँ पे बहुत मैंने देखा सीखा। अच्छा। और उसके बाद जब हम आया तो सोचा कि क्यों नहीं कुछ किया जाए। अच्छा। है ना, दुनिया से हट कर आया, तो फिर मैंने हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किया। तो आप मतलब बाहर भी गए हैं, गल्फ? दुबई में गया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। तो उसके बाद जब आए तो कितने कितने मतलब सुना हो कि मैं आप मिनी हेलीकॉप्टर भी बनाए थे उड़ाने के लिए, ट्राई करने के लिए? जी, छोटा हेलीकॉप्टर हमने बनाया। हाँ, तो क्या वो उड़ा था? जी। तो आपको क्या लग, मतलब इतने सारे डिमोटिवेट कमेंट आते हैं, मतलब डिमोटिवेट कमेंट आते हैं कि ऐसे ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, तो इसके ऊपर कुछ बताना चाहते हैं आप, बोलना चाहते हैं? जो इंसान बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, ठीक है, मुश्किल नहीं है, मगर हम तो प्रयास कर रहे हैं ना, हम उड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, देर रात मेहनत करते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, तो वो लोग भी आते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ अपने अंदर तो भावना लेकर तो जाते हैं ना हमसे, कि चलो भाई वो अनपढ़ होकर हेलीकॉप्टर बना रहा है, तो हम भी भगवान से दुआ करके हमारे भी बच्चे जो है वो भी कुछ ना कुछ करे, है ना। तो आपने कहीं पे ये इसका पढ़ाई किया था, मतलब ये हेलीकॉप्टर के बारे में? हम पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, ये डीजल मैकेनिकल है। डीजल मैकेनिकल मतलब कुछ भी पढ़े लिखे नहीं? जी, कुछ नहीं। तो आप कैसे जो इसका जो मीटर्स वगैरह जो रहता है ना, अपना वगैरह रहता है, तो कैसे कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं? अपने हाथ से ही हम करेंगे। अच्छा, तो आपके एक जो दोस्त हैं साथ में रहते हैं, वो सुनाओ कि वो पढ़े लिखे हैं, कितने तक पढ़े हैं? वो ग्रेजुएशन का चल रहा है। ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं या अभी है? अच्छा, तो आपके साथ बचपन से ही है कि अभी? हम लोग जब हम लगभग 6-7 साल का था हम लोग। अच्छा। जब से हम दोस्ती हुआ उनसे हमारे, तो अभी मतलब बहुत भाई जैसे दोस्ती है आप लोग, अजय और वीरू के दोस्ती हमें सुनाओ। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और आप मतलब अभी हेलीकॉप्टर जितना बना हुआ है तो कितना पैसा लग चुका है इसमें? जी देखिए, अभी तो हम पैसे का काउंटिंग नहीं किए हैं कि कितना लग गया है, पर हमें टारगेट में ये है कि इसको उड़ाना है तो उड़ाना है, चाहे जितना भी रुपया लग जाए। अच्छा, सही है। तो आप इस हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं, जैसे कि ये पंखी अभी लगा नहीं हुआ है जी, तो पंखी कब तक लगेगा? पंखी रेडी हो चुका है हमारे, है ना। हाँ। जो तिरपाल ये देख रहे हैं, हाँ। हमारा 24 फीट का पंखा है, 12-12 फीट का, हाँ। है ना, तो इसलिए हम तिरपाल की वजह से हम नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पे अभी। और ये हेलीकॉप्टर है, कौन सा कलर होगा इसके ऊपर? जी नहीं, कुछ बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि नहीं तिरंगा कलर का होगा, तो तिरंगा ही कलर का लगाया जाएगा इसमें। अच्छा, तिरंगा कलर से याद आया कि आप तक अभी तक गवर्नमेंट ने आपको हेल्प नहीं करी है कुछ? जी नहीं, कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब भी हमें मदद नहीं मिली गवर्नमेंट से। और ऐसा बहुत मतलब पूरा वर्ल्ड में आपका नाम है जी, तो आपको तो जगह जगह से तो फोन आता ही होगा, जैसे कंपनी वगैरह बड़े बड़े कंपनी का फोन आया था, बड़े बड़े कंपनी का। अच्छा। मगर हमें देखिए अभी तो मतलब ये टारगेट में है कि कैसे भी इसको उड़ाया जाए, उसके बाद से जो होगा देखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट आपको उतना, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं हेलीकॉप्टर उड़ाने के बाद से सक्सेस हो जाते हैं, तो क्या लगता है आपको गवर्नमेंट मतलब इंडिया गवर्नमेंट आपको काम देगी इंडिया में, और उतना सैलरी देगी? फिलहाल में कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, क्योंकि अभी तो हम मतलब प्रावधान पे कर रखे हैं, हम मतलब काम कर रहे हैं, जब सक्सेस हो जाएगी तो उसका उस टाइम के बाद है ना, कि जो हमारा एजेंट है वो क्या कर रही है, मतलब हमें मतलब नौकरी दे रही है कि नहीं दे रही है, और उसका बात की बात है। सही है।
तो आपको क्या लगता है कि हेलीकॉप्टर जो है उड़ने के बाद से कितना किलोमीटर कितने देर में पहुंचेगी? आप जो बता रहे थे कि इतने मिनट इतने सेकंड के पे दिल्ली पहुंच जाएगी, तो कैसे आप बता सकते? देखिए जो 6 घंटा 17 मिनट जो है इतने में हमें पहुंचाना है इसको दिल्ली। हमारा टारगेट यही है, इतना देर में हमें जाना है, और ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो हेलीकॉप्टर तो हम बना रहे हैं ना, जब ट्रायल में लाएंगे इसको जब उड़ाएंगे तो हम देखेंगे हाँ हमारा हेलीकॉप्टर कितना का आरपीएम यानी कि कितना का एवरेज दे रही है, कितना का मतलब राउंड में चल रही है, सब कुल यानी जोड़ कर हम बताएंगे फाइनल। अच्छा सही है। तो आप ये हेलीकॉप्टर सबसे पहले कहाँ उड़ाने वाले जी? पहले सबसे पहले तो यहाँ से हम अरे राजबोवा जाएंगे। अच्छा अपने वहीं से मतलब यहाँ से उड़ा के वहीं जाएंगे, उसके बाद ही से जहाँ जाना होगा अपने को इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उसके बाद देखा जाएगा। तो मैं सुना हूँ कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। जी जी। तो आप परमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं? हमारे जो बड़े भैया हैं सरबजीत भैया, वही सब चीज बात करते हैं, सब हैंडल उन्हीं का है, सिर्फ हमें काम करना है इसमें। तो गाइस इतना ही था, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा अमरजीत भाई से मिलकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला इंटरव्यू था ये इस चैनल के लिए, पहला इंटरव्यू था और काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने मिला होगा इस हेलीकॉप्टर के बारे में। तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और टेक केयर, बाय।